चार दिन अवकाश के बाद आज मंगलवार को कृषि उपज मंडी एक बार फिर खुली है। बड़ी तादाद में किसान अपनी उपज यहाँ पर नीलामी के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त अंकित जी मौजूद हैं। अंकित जी, क्या माहौल है इस बार आज की? आज माहौल बढ़िया है, मंडी में आवक ज़्यादा है। 6 से 7 हज़ार कट्टे की आवक है। ऊँचे में 14 हज़ार रुपये बिका है माल आज। कौन कौन सी वेराइटियाँ अभी आ रही है? वेराइटी आ रही, जीटू आ रही, ऊँटी आ रही है। ये लहसुन की बात कर रहे हैं अपन? हाँ, लहसुन में। और आलू प्याज में किस तरह का? आलू प्याज में प्राइवेट चलती मंडी में, आलू प्याज तो आड़त में चलती है अपने। अभी क्या क्वालिटी कैसी आ रही है? क्वालिटी मीडियम आ रही है, हल्की ज़्यादा आ रही है। छाटन का माल ज़्यादा है, सुपर माल कम है। सुपर माल जो है उसका भाव वही है 14 हज़ार 15 हज़ार रुपये। आज भी 14 हज़ार बिका ऊँचे में। अभी आ रहे हैं 14, मतलब सुपर माल? हाँ, सुपर माल आया ना, 14 हज़ार रुपये बिका ऊँचे में। अभी क्या कारण रहता है कि इस समय जो है इस क्वालिटी कम देखने को मिलती है? ये अभी क्या है, भिजवाने का सीजन नहीं है। आदमी माल छाटता है, सुखाता है, बना के लाता है, अच्छा बढ़िया बनाएगा, फिर अच्छा माल बाद में लाएगा किसान भिजवाने के टाइम पे। ऐसा भी होता है, बीज के लिए किसान बचा के रखता है, फिर भाव तेज भिजवा रहे और तेजी के लिए किसान रखता है ना घर में माल। हाँ, ऊँचे भाव देखने के लिए। अपने यहाँ उज्जैन मंडी में लगभग मतलब सबसे बेस्ट क्वालिटी कौन सी आती है? जीटू। अभी जो नई वेराइटी आई थी गए साल, वही उसी का भाव ऊंचा है सबसे। पैदावार भी अच्छी होती है? पैदावार भी अच्छी है उसकी, और ऊँटी की भी पैदावार अच्छी है। हमारे साथ कुछ किसान भी है जो अपनी फसल लेकर आए। आप भी लहसुन बेचने के लिए आए? हाँ। कौन सी क्वालिटी है? अम्लेटा। कौन से गाँव से है? क्या भाव मिला? बिकी है? अभी नहीं बिकी। इसके पहले मंडी करी है आपने? करी थी। क्या भाव? 9,000-10,000 तक बिकी। अभी क्या उम्मीद लेके आए, क्या भाव मिले? अभी तो वो है छाटन की है, मतलब है 7-8 हज़ार बिकी जा रहा है। छाटन की है लगभग। अभी हाल फिलहाल की अगर कंडीशन की बात करें तो 14,000 का भाव हाईएस्ट उज्जैन की मंडी में रहा है। दादा आप भी? हाँ बोलो। आपकी लहसुन कौन सी लहसुन है? बारीक है हमारा, तो वो बारीक वाली बारीक लहसुन। हाँ, कौन से गाँव से? लिम्बोदा। क्या भाव मिला है आपको? क्या मिला अभी? बेची तो अभी नहीं मिला। बेची नहीं अभी? अभी क्या बिकी नहीं अभी, तो सुबह से आए। कुछ परेशानी आती मंडी में आते हैं? तो नहीं है परेशानी, सुबह से बैठा गए रात में, सुबह भूखा बैठा, सुबह 7 बजे निकले घर से, अगले बैठा। पानी वगैरह की समस्या है? पानी सब मिला, मेरे को बताओ। खलाना राजेश जी कुशवा खलाना नहीं बिकी। हाँ हाँ, सुबह से आए 8 बजे से। कम नहीं जा लहसुन कहीं? ये आती है अपने बजट कम नहीं जा लहसुन कहीं? लगन लहसुन के भाव तो लगभग जो अच्छी क्वालिटी है उसके तो किसानों को अच्छे मिल ही रहे हैं, लेकिन कुछ किसान हैं जो सुबह से अपने लहसुन बेचने के लिए इंतज़ार करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ पर छाँव की और पानी की व्यवस्था मंडी प्रशासन को करना चाहिए। यहाँ पर कुछ किसान जो है जिनकी लहसुन बिक गई है, हम उनसे भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। भैया कौन से गांव से हो? भैया मैं बड़वई गंभीर डैम से हूँ। लहसुन बिक गई? हाँ लहसुन बिक गई। क्या भाव मिला? वो 5,600 भी बिकी और 5,200 भी बिकी है। दो भाव अलग अलग? वो अलग अलग वेराइटी के हिसाब से। कौन कौन सी वेराइटी है? छोटी बड़ी थी मतलब, और एक वहाँ आगे है वो 11,300 रुपये बिका। तो ये रहे इनकी 11,300 हाईएस्ट रेट। इस बार अभी जो मंडी में लहसुन आ रही है वो छाटन की आ रही है, छोटी लहसुन है, क्योंकि किसान बीज के लिए बचा के रख रहे हैं ताकि बीज के समय भाव अच्छा मिलता है। तो किसानों का अधिकतर अभी जो मंडी में लहसुन देखने को मिल रही है वो छटी हुई या सड़ी हुई या जिसमें कीड़े लगे हुए हैं या इस टाइप की लहसुन अधिकतर बेचने में आ रही है। तो जैसी क्वालिटी है वैसा भाव किसानों को यहाँ पर मिल रहा है। हमारे साथ बने रहे मार्केट टाइम्स टीवी के लिए उज्जैन से गगन सिंह की।